हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करेंगे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 24 स्टॉक्स बताऊंगा कि कल मार्केट गिरे तो आपको क्या करना है और उन स्टॉक्स को में आप खरीद सकते हैं बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही करना है और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए मार्केट गिरती है निफ्टी गिरता है ओके या फिर सेंसेक्स गिरता है या फिर मिड कैप स्मॉल कैप आपके शेयर्स गिरते हैं कुछ भी आपके शेयर्स गिरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली इससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो तो देखिए मार्केट मार्केट गिरती रहती है मार्केट का काम है गिरना और मार्केट का काम है ऊपर ऊपर उठना बट आपने आपके पास जो स्टॉक्स है और आपने जो स्टॉक्स चुने हैं क्या आपने वो स्टॉक्स अच्छे से चुने हैं आपने कुछ बेसिस पे वो स्टॉक्स चुने हैं तो उस बेसिस पे अगर आप उस स्टॉक्स उस को निकाल देते ओके okay, मार्केट गिरने की वजह से तो ये आपका लॉस है किसी और का लॉस नहीं है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा स्टॉक खरीदने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कब बेचना है स्टॉक खरीदने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने क्यों खरीदा है ओके उस बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपने जो स्टॉक को लिया है उसके फंडामेंटल्स अच्छे है या नहीं है आपने किस लेवल पर लिया है किस लेवल पर आप बेचेंगे वो सब चीज आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए प्री डिसाइडेड होना चाहिए तभी आप एक सक्सेसफुल कह सकते हैं इन्वेस्टर बनेंगे या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर भी बनेंगे तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा बड़े बड़े लोग इसी चीज़ को फॉलो भी करते हैं तभी वो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनता है शॉर्ट टर्म में भी बनता है बट आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसे कमाना है आपको शॉर्ट टर्म में कमाना है किस तरीके से कमाना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा रास्ता है और दूसरा अच्छा रास्ता है लॉन्ग टर्म तो आपको इसी बेसिस पर चलना है तो मार्केट देखिए गिरती रहती है तो आपको हमेशा अपने स्टॉक्स को देखना है मार्केट देखिए मैं आज मैं कल मार्केट गिरी आई वॉज स्लीपिंग आज मार्केट गिरी आई वॉज स्लीपिंग इंटेंशनली आई वॉज स्लीपिंग मार्केट होती है मैं कभी नहीं सोता मैं मार्केट को देखता रहता हूँ बीच में नैप ले ली एक अलग बात है बट अगर हम बात करें दो दिन से मैं सो रहा हूँ क्यों सो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टॉक्स सारे के सारे अच्छे हैं सारे के सारे मेरे इस मेरे पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है गिर रहे हैं देखिए हम बार बार अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं नेगेटिव में दिखता है तो हम उन स्टॉक्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि यार ये दो हजार का लॉस हो गया पाँच का लॉस हो गया ये लॉस बढ़ता जा रहा है ये बीस लॉस हो गया पचास हजार का लॉस हो गया तो देखिए मैंने अच्छे अच्छे लॉस देखे हैं मार्केट में मेर, आ, मेरा मेरा पोर्टफोलियो कभी अच्छा खासा चलता था तो बीच में बिल्कुल ही लाख रुपए नीचे गायब हो जाते थे तो इस तरीके से भी मैंने देखा है बट मैंने बेचा नहीं और लास्ट में अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी होता है तो इस चीज को देख हमेशा याद रखिएगा मार्केट को ऊपर ही जाना है बस आपके पास आपके कौन से स्टॉक्स है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सो जाइए ओके आई एम टेलिंग यू की आप अपने स्टॉक्स को देखिए अलग से उस पोर्टफोलियो को बार बार देखने की जगह आप बस ये देखिए कोई बेकार स्टॉक्स तो नहीं है आप उसके रिजल्ट

पोर्टफोलियो में है कल और अगले अगर कहेंगे तो अगले दोबारा ट्वेंटी फोर स्टॉक्स बता दूंगा आप कहोगे और दोबारा कहोगे तो दोबारा ट्वेंटी फोर स्टॉक्स बता दूंगा अपने वॉच लिस्ट में रख रखे, रखे हैं जो कि फंडामेंटली है तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे एक वीडियो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर आ चुकी है पांच शेयर आज भागा है छह महीने में शायद आपका पैसा डबल हो जाएगा तेसोडा

और सारे की सारी स्टॉक से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सबसे पहला स्टॉक आपके सामने है आरती इंडस्ट्री अभी रिसेंटली इसने बोनस दिया था बोनस के बाद यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हुई ओके गिरावट के बाद ये शेयर अभी भी 40%, 50 के यह सॉरी आठ सौ चालीस तक यहाँ पर शेयर आया था आठ तक नौ तक टच करके आया है तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा ये शेयर फिर दोबारा है कि दोबारा ये सत्रह सोलह सौ पे गया था फिर दोबारा सोलह सौ पे जाएगा लॉन्ग टर्म पे बैट रखनी है तो लॉन्ग टर्म पे रख लीजिए

शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे जितना नीचे जाए उसे आपको अपने नजर में रखना है और आपको लेना है नहीं वो आप डिसाइड करिए दूसरा स्टॉक है काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है अगर हम बात करें एक और शेयर अपोल एपीएल अपोलो यहाँ तो बोनस की न्यूज है यहाँ पर कल वीडियो बनाई थी बोनस इससे फंडामेंटल सारे के सारे डिस्कस करे है आज की डेट में अगर बात करें शेयर ऊपर गया था अच्छा खासा भागा था फिर एक अच्छा खासी गिरावट भी हुई और फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा भागता हुआ दिखाई दिया ये शेयर को नीचे नहीं जाना है ये ए का जो लेवल है इसे टच करेगा रिसेंट इसके रिजल्ट आने वाले है बोनस की न्यूज़ आने वाली है फिर ये शेयर दो हज़ार का दो हजार से ऊपर भी जा सकता है इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा स्विंग ट्रेडिंग करनी है स्विंग ट्रेडिंग बट की बैट वाला भी स्टॉक है इसे याद रखिएगा। इसके अलावा एक और शेयर लोग कह रहे कि नहीं रहा भाग क्यों नहीं रहा क्यों नहीं रहा एशियन ग्रेनेटो या टाइल्स तो देखिए भागेगा पेशेंस इज द की कहते हैं ना पेशेंस इज द की फॉर सक्सेस किसी भी बिजनेस में एज वेल एज शेयर बाजार में तो बहुत ज्यादा तो यहाँ पर ये शेयर देखिए इसी लेवल पर बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर किसे नीचे गिर नहीं रहा है यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसके रिजल्ट भी मेरे ख्याल से अगस्त में ही है फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में ये शेयर जिस दिन भागेगा उस दिन आपको इस लेवल पर भी दिखेगा और आपके पैसे अच्छे खासे बनते हुए नजर आएंगे इसमें जब भी गिरावट हो रही है मैं तो पर्सनली खरीद रहा हूँ आप अपना देख लीजिएगा इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें एक और शेयर

ये शेयर भी जिस दिन जब भागेगा तो एक ही यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 30 मार्च से जब ये शेयर भागना शुरू किया इकतीस मार्च से तो यहाँ पर 15 से 23 दिन के अंदर अंदर 50 परसेंट से 52 परसेंट से ज्यादा रिटर्न दिए थे फिर दोबारा भागेगा फिर दोबारा इसी तरीके के रिटर्न देता हुआ नजर आएगा फिर आपको अच्छे खासे रिटर्न आपने जितना पेशेंस के साथ वेट किया है फिर दोबारा अच्छा खासा यहां पर आपको रिजल्ट मिलेंगे और रिजल्ट इसके अच्छे आई रही है वैक्सीन लग रही है इसकी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके अलावा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी बानको से रिलेटेड शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा यह भी शेयर कभी भी भाग सकता है अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना रहा है साइड बेस पे यहां पर चल रहा है बार बार इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर फिफ्टी डीएमए के आसपास कभी भी ये भाग सकता है इसके अलावा एक और शेयर की बात करें हम

आप पैसा लगाइए इस तरीके से थोड़ा सा पैसा अपनी साइड में हमेशा रखना चाहिए जैसे आप घर पे भी घर पे बैंक में भी पैसा रखते हो घर पे भी रखते हो घर पे किस लिए रखते हो कि कभी जरूरत पड़ गई तो शायद घर पे काम पर आ जाएंगे तो इसी तरीके से बैंक में यहाँ पर पैसा डीमेट में पैसा रखना चाहिए क्यों कभी काम आ गया तो हम खरीद लेते हैं यहाँ पर ब्रिटानिया यहाँ पर बात करें जब भी यहाँ पर, पर नीचे की लेवल पर यह शेयर आता है तो इसी तरीके से यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेडिंग पांच दस परसेंट दस परसेंट तक के गेन यहाँ पर दे जाता है तो पोजिशनल ट्रेडिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर तो इसमें हमेशा इस तरीके से कर सकते हो इसके अलावा लॉन्ग टर्म की बैट में भी ये शेयर काफी बेहतरीन है इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई बट हाँ ये शेयर काफी बेहतरीन है मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है अगर नहीं यहाँ पर देखे अच्छा खासा यहाँ पर ये सारे के सारे शेयर मेरे पोर्टफोलियो में पहले पोर्ट बता देना चाहता हूँ और यहाँ पर देखे तो अच्छा खासा ये चार्ट पैटर्न भी बना रहा है इससे रिलेटेड अलग से बात करेंगे बट अगर बात करें ये इसके रिजल्ट आने वाले हो जब इसके रिजल्ट आएंगे तो ये शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा लास्ट टाइम के रिजल्ट बेहतरीन थे दोबारा ये शेयर काफी नीचे आ गया है फोर्टी के आर पे अब ऊपर की तरफ ही इसे जाना है इसी साइड बेस पे यहाँ पर काफी टाइम से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है इसके अलावा एक और शेयर की बात करें तो फिनोलैक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर देख लीजिए फिनोलैक्स इंडस्ट्री जो कि पाइप का काम करती है फिफ्टी डीएमए पे यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है फिफ्टी डीएमए से जब भी इसने सपोर्ट लिया है तो या तो थोड़ा सा नीचे आया फिर भागा है जब बट ये भागा है इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है फिनोलैक्स एक बेहतरीन अगर बात करें एस्ट्रोल के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा एक और पाइप की कंपनी हम बात करेंगे प्रिंस पाइप की इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है अगर हम यहाँ पर देखें अड़तीस के आर एस आई पे चल रहा है आज के दिन तो शेयर थोड़ा सा यहाँ पर भागा भी है तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा काफी बेहतरीन शेयर है यहाँ से रिवर्स लेना शुरू कर दिया जो कि आप ऊपर देख ही रहे तो इसकी तरफ नजरें बनाइए इसके अलावा अच्छा खासा शेयर है ही है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है इसके अलावा हमने एक वीडियो और बनाई थी ग्रीन प्लाई से रिलेटेड

एच डी एफ सी एम सी की लोग कहते हैं नहीं है भागता नहीं है साइड बेसि चलता है हमने यहां पर आपको बताया था लास्ट टाइम अट्ठाईसतावन रुपए पे ये बत्तीस सौ रुपये तक जाता तेतीस सौ बत्तीस सौ रुपए से ज्यादा जाता हुआ नजर आया था उसके बाद गिरावट हुई है तो आपने अगर बेचा होगा मैंने भी आप उस टाइम भी कहा था कि ये पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म रखना है तो इस जिसने यहाँ पर खरीदा है बस दस, दस बीस पचास रुपए यहाँ पर कम हुआ है ज्यादा कम नहीं हुआ है फिर टू हंड्रेड डी एम ए पे शेयर चल रहा है जब दोबारा भागेगा फिर दोबारा यहाँ तक तो भागने ही भागना है बस इससे ज्यादा भी भागता हुआ नजर आएगा तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं लास्ट टाइम इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी तब ये शेयर साढ़े तीन सौ के आसपास चलता था और तो उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर रैली बनाई इस शेयर ने इसके रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हो रही है और ये शेयर अगर आपको चार सौ रुपए के आसपास दोबारा मिलता है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर है दोबारा आपको ये फाइव हंड्रेड नेक्स्ट जब इसके क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तीन महीने बाद तो ये पांच सौ रुपये पे टच होता हुआ दिखाई देगा तो बाय ऑन डिप्स की इसमें भी रणनीति रखिएगा और यहाँ पर बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा

कोई भी वीडियो डालिए शेयर का नाम डालिए और पीछे लिख, लिख दीजिए इन्वेस्ट फॉर एवर तो आपको पता चल जाएगी इसके अलावा एक और शेयर जो कि हमने आपको अभी

गा you know? आज के दिन में 10 परसेंट ग्यारह परसेंट यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है अपने टॉप से बिल्कुल आ, यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है बट इंटलेक्ट डिजाइन एक बेहतरीन शेयर है यहाँ पर इक्यावन रुपए से आठ सौ रुपए की एक रैली प्लस में अगर मैं बात करूं हर बार के अच्छे रिजल्ट और यहाँ पर जब वीडियो बनाई थी सात सौ रुपए के आसपास तो यहाँ पर ये आठ सौ तक नौ तक ये जाता हुआ दिखाई दिया है तो आपके जिसने बेच दिया होगा अच्छे खास आपको पैसे मिलते हुए नजर आए होंगे बट यहां पर जिसने यहाँ पर नहीं बेचा होगा दोबारा उस लेवल पर आ गया आज रिजल्ट

के से पहले ये यहाँ पर इसके एक और दिग्गज स्टॉक हमेशा अच्छे रिजल्ट देने वाला ओके चार सौ के, के लेवल पर हमने पकड़ा था आज की डेट में सात सौ अट्ठाइस पे है दोबारा गिरावट हो रही है अच्छी खासी गिरावट हो रही है और गिरता है तो एड ऑन करिएगा ये शेयर आपको अच्छा खासा पैसा बनाते हुए दिखाई देगा इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर जुबिलियंट इंग्रीविया ये शेयर काफी बेहतरीन है हम इस इस शेयर को भी हमने आसपास यहीं पर ही आसपास पकड़ा था शायद यहाँ पर यहाँ पर चार सौ रुपए के आसपास पकड़ा था अच्छी खासी रैली फिर उसके बाद यहाँ पर गिरावट हुई थी यहाँ पर दोबारा खरीदा था फिर यहाँ पर यह अच्छा खासा भाग चुका था बट यहाँ पर यह गिरावट हो रही है बट ये शेयर बेचने वाला नहीं है ये शेयर पोर्टफोलियो में रखने वाला है और गिरावट होती है मैं यहाँ पर और एड करूंगा यहाँ पर इस शेयर को छह सौ रुपए पे चल रहा है ऑलरेडी ये साढ़े छे सौ रुपये तक गया था उसके बाद गिरावट है बेहतरीन स्टॉक बेहतरीन रिजल्ट ऐसे शेयरों को कभी नहीं बेचते तो ऐसी जब ये शेयर गिरते हैं ना तो यहाँ पर उठाना चाहिए इन शेयरों को बेचना नहीं चाहिए इसलिए क्यों क्योंकि इनके रिजल्ट ही बेहतरीन है इससे इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो शेयर से रिलेटेड भी आ चुकी है कैल्टन टैक्स सोल्यूशन यहाँ पर बात कर रही काफी बेहतरीन स्टॉक है इसी लेवल पर अभी ये चल रहा है इससे नीचे आई डोंट थिंक सो ये जाएगा टू हंड्रेड डीएमए के नीचे चल रहा है और अच्छे खास लास्ट टाइम भी रिजल्ट दिए थे लास्ट टाइम भी हमने स्विंग ट्रेडिंग करके पैसे कमाए थे दोबारा यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल रहा है तो यहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इस लेवल तक भी गया तो फिफ्टी वन परसेंट के रिटर्न आपको मिल सकते हैं इससे रिलेटेड और चाहेंगे तो अलग वीडियो बना देंगे बट पर इसकी तरफ नजर निकाय बनाइएगा इसके अलावा एक और दिग्गज स्टॉक के पी आई टी दो इसके जब हमने क्यू फोर के रिजल्ट देखे थे तब इसका प्राइस वन नाइनटी के आसपास था इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओके okay, हाँ यहाँ पर क्या आसपास चल रहा था फिर उसके बाद एक मुफ्त रैली इसने यहाँ तक बनाई फिर यहाँ पर एक गिरावट हुई यहाँ पर आपको वीडियो बना के दोबारा बताया फिर तीन सौ रुपए प्लस जाते हुए दिखाई दिया फिर गिरावट हो रही है फिर बेहतरीन बता रहा हूँ बेहतरीन स्टॉक है कब साढ़े तीन सौ चार सौ दिखेगा आपको खुद नहीं पता चलेगी इसकी तरफ निगाह बनाइएगा जब भी गिरे बायोन डिप्स कर सकते हैं इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर लक्ष्मी ऑर्गेनिक लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड और कुछ अभी तीन चार दिन पहले वीडियो बनाई थी फिर बता रहा हूँ जितना गिर रहा है डिप्स तो यहाँ पर इसकी तरफ भी नया गाय बनाएगा काफी बेहतरीन स्टॉक है तो ये चौबीस स्टॉक से जो हमने आपको बताया इनकी तरफ न गाय बनाइए इनकी तरफ नजरें रखिए वॉच लिस्ट में रखिए जब भी मौका मिले जब भी गिरावट हो ये स्टॉक खरीदने ये